आप सभी का YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि सबसे पहले हम सेंटेंस पर जो है बात करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सेंटेंस के पहले भी दो शब्दों पर हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब भी शब्दों के समूह से कोई एक नया जो है वो वाक्य निर्माण या वाक्यांश या क्लास बनता है तो वह किस रूप में होता है। सबसे पहले हमने बताया था फ्रेज को कि फ्रेज जो है वो शब्दों का समूह जिसमें कोई सीमित क्रिया नहीं होती और वो जो है शब्दों के समूह से बनता है तो वह एक अलग प्रकार का वाक्यांश बनता है। वाक्यांश भिन्न भिन्न रूपों में हो सकते हैं। यदि शब्दों का समूह एक साथ मिलकर नाउन का काम करता है, कार्य कर रहा हो, तो उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। और यदि शब्दों का समूह मिलकर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा हो तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। या जब शब्दों का समूह एडवर्ब का कार्य कर रहा हो तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। इसी तरह से वर्ब भी जब एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है तो उसे फ्रेजल वर्ब का नाम दिया जाता है। और जब शब्दों के समूह से ही प्रीपोजिशन बनता है तो उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इसी तरह से जब शब्दों के समूह से ही क्लास बनता है तो उसे समझने के लिए शब्दों का वह समूह जिसमें कोई एक सीमित क्रिया अवश्य हो परंतु वह अपना पूरा अर्थ ना देता हो और वह अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे क्लास पर आश्रित हो तो उसे हम क्लास कहते हैं। इस प्रकार से जब दो क्लासेस मिलते हैं तो एक नया सेंटेंस तैयार होता है। और सेंटेंस अपने आप में शब्दों का ही वह समूह जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है और वह मुख्य क्रिया अपना पूरा अर्थ कंप्लीट सेंस देती है तो वह पूरा का पूरा एक वाक्य निर्माण करती है। जैसा कि हमने बोर्ड पर पहले से ही आज तैयार रखा है कि सेंटेंस सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए फाइनाइट वर्ब विच कन्वेज इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मीन्स कि शब्दों का वह समूह जिसमें एक सीमित क्रिया हो। अभी हम आगे की वीडियोज में वर्ब को डिफाइन करेंगे और वर्ब को जैसा कि आप जानते भी होंगे कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो सीमित क्रियाएं होती हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे, और नॉन फाइनाइट वर्ब असीमित क्रियाएं होती हैं। तो यहां जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह है जिसमें एक सीमित क्रिया अवश्य होनी चाहिए और वह सीमित क्रिया के साथ शब्दों का समूह जो अपना पूरा अर्थ प्रकट करता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं, उसी को वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में वाक्यों को पांच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अंग्रेजी के वाक्यों को पांच भागों में बांट दिया गया, पांच प्रकार के बना दिया गया। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस एंड सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, आज्ञा प्रार्थना सलाह इत्यादि का सेंस व्यक्त किया जाता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जिसे हम विस्मयादि सूचक या बोधक वाक्य कहते हैं, और पांचवें नंबर पर आता है
ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम इच्छावाची वाक्य कहते हैं। ये इच्छावाची वाक्य जो है इच्छा व्यक्त करता है या इच्छा प्रार्थना शुभकामना आशीर्वाद श्राप इत्यादि। अभी हम इसके बारे में डिटेल जो है अध्ययन करते हैं। सबसे सबसे पहला है असरेटिव सेंटेंस। हम इसे समझेंगे कि असरेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और किस तरह के वाक्यों को हम असरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि असरेटिव सेंटेंस को हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहते हैं। ये विधि सूचक वाक्य जो होते हैं वो दो पार्ट में है। फर्स्ट वन इज एज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसे हम यहीं पर देख लेते हैं कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है तो ये एक फार्मूले में शिफ्ट किया जाता है। उस फार्मूले को हम देखेंगे। हम यहां देंगे एस मीन्स सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। इसे हम एब्रिविएट कर रहा हूं, इसे आप समझने का प्रयास करें। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद होता है अदर्स, जिसे हम अन्य कह सकते हैं। अदर्स पार्ट्स में जो सेंटेंसेस में फ्रेजेस ग्रुप में होंगे या अलग से शब्द आएंगे, इनके अतिरिक्त ये प्रोसीजर है, ये एक प्रोसेस है कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट का ही होना आवश्यक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आप समझते हैं जिसे हम सहायक क्रिया के रूप में जानते हैं। ये एक अलग से वर्ब बनी। अभी हमने यहाँ फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया था। फाइनाइट वर्ब का ही ये एक पार्ट है। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही मिलकर फाइनाइट वर्ब होते हैं और इनका प्रयोग वाक्य में टेंस के अनुसार किया जाता है। टेंस अभी हम अगली वीडियो आप लोगों को टेंस पर ही आधारित देंगे। ये डिसाइड करेगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कि जो सामने प्रस्तुत सेंटेंस है वो किस टेंस में है। इसके लिए आपको टेंस जानना आवश्यक होता है। फिलहाल यहां आप अफर्मेटिव सेंटेंस को देखें कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स अन्य होंगे। इसके लिए हम एक सेंटेंस देते हैं। जैसे आप हिंदी में ही पहले ले लें, सूर्य पूरब में निकलता है। यह सेंटेंस हिंदी का सेंटेंस है। इसे आप जब आप टेंस के अनुसार ट्रांसलेशन करते हैं तो यह बनता है द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि द सन ये सब्जेक्ट है, राइजेस ये वर्ब है। यहां आप ये देख सकते हैं कि हमने यहां हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दिया, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये टेंस के अनुसार यूज किए जाते हैं। चूंकि ये जो आपके समक्ष सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य होता है अफर्मेटिव के सेंटेंसेस में कोई भी सहायक क्रिया प्रयोग नहीं की जाती, दैट इज द पर्टिकुलर रूल ऑफ टेंस। इसलिए यदि हेल्पिंग वर्ब प्रयोग न करना हो तो हम डायरेक्ट मेन वर्ब टेंस के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, करते ही हैं। और ये इन द ईस्ट, इसे आप अदर्स में ले सकते हैं।
क्योंकि यह ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ये अदर्स है। ऑब्जेक्ट इसके बारे में भी आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, ये मैं पार्ट ऑफ सेंटेंस जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि कहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट किस तरह से हम ट्रेस आउट कर सकते हैं या समझ सकते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे हम समझ सकते हैं। फिलहाल आपने यहां पर देखा कि आपके समझ जो है सब्जेक्ट वर्ब और अदर्स के ग्रुप से ये सेंटेंस तैयार हो गया और ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का एक प्रारूप फॉर्म है। सेकेंड, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आप अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लिए, सेकेंड होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसे आप हिंदी में नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं, ऐसे कथन, ऐसे वाक्य जिनमें जो है क्रिया या वाक बात को अस्वीकार की गई हो, वहां नकारात्मक वाक्य बनता है, या इसे आप नेगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी आप फार्मूला देख सकते हैं, इसे आप रूल देख लें। तो नेगेटिव सेंटेंस का जब रूल बनता है तो इसमें होता है पहले सब्जेक्ट, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है नॉट या नेवर, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर होता है अदर्स। इसे आप फिर वहीं, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये टेंस का इश्यू है। जब तक आप टेंस को डिटेल नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर प्रोसेस है किसी भी सेंटेंस के निर्माण का, कि आप किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें किसी को भी, किसी शब्द को आगे पीछे करेंगे तो आपका सेंटेंस एरर होगा। इसको आप ध्यान में रखते हुए इस सेंटेंस को देखें। इसी तरह से नेगेटिव का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेने के लिए ये, जैसे मिस्टर गुप्ता, डायरेक्ट हम इंग्लिश में ही लेते हैं एग्जांपल, मिस्टर गुप्ता इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। यहां आप देख सकते हैं कि ये मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट हैं, फिर इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां आया है, नॉट या नेवर जो भी आए नेगेटिव नेगेटिव शब्द उसका प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद ये वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बन रहा है इसलिए वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाया गया, और ये ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप ये फार्मूला अपने दिमाग में रखें कि इस तरह के फार्मूले में बना हुआ कोई भी सेंटेंस सामने आए तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, इस फार्मूले में बना हुआ कोई सेंटेंस सामने है तो वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसी तरह हम अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। असर्टिव के बाद दूसरा सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे आप प्रश्न वाचक वाक्य कह सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य भी दो तरह के बनते हैं। पहला होगा जिसमें इसे यस या नो टाइप के क्वेश्चन कहा जाता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, इसे आप समझने के लिए क्या से, हिंदी में क्या से शुरू होने वाले वाक्य समझ सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में जो क्या से शुरू हो रहे हों, क्या इंट्रोगेटिव
यस या नो टाइप के क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हो तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं। प्लस ये आपको ध्यान देना होगा कि अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे कैन यू राइट ए हॉर्स, इसे आप हिंदी में समझ सकते हैं, क्या आप घोड़े की सवारी